अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। भारत के आदरणीय और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने 5 जून को जो वटहुकम निकाला है उसके तहत किसान के सारे मालों कृषि मंडियों के बाहर बिक्री पर किसी भी प्रकार का नियमन और मार्केट फी नहीं लगेगी, ये तय किया गया है। इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारी नवी मुंबई मर्चेंट चैम्बर, हमारी राष्ट्रीय संगठन केट और विविध हमारी व्यापारी संगठना की ओर से हमारी 2016 से डिमांड थी कि ये एपीएमसी जनता के हित में, किसानों के हित में, ग्राहकों के हित में और व्यापारियों के हित में बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। इसके बारे में हमने पीयूष गोयल जी से, नितिन गडकरी साहब से, काफ़ी सारे देश भर के लीडरों से भी मिले हैं, महाराष्ट्र के गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, और सबको मिलकर ये बात हमारी बार बार रखी है, बार बार कॉरेस्पॉन्डेंस किया है और उसी के आधार पर भारत सरकार ने ये बहुत बड़ा सराहनीय और स्वागत का कदम लिया है कि इन्होंने इस मार्केट फी और एपीएमसी का नियमन मार्केट कमेटी के बाल जो हटा दिया। मगर एक देश दो कानून तो चलेंगे नहीं, आपने फिर मार्केट कमेटी, हमारा यही आंदोलन था अक्टूबर 2019 में, हमारी पांचों मार्केट जो एशिया की बड़ी मंडी है उसका यही आंदोलन था कि वही महाराष्ट्र सरकार ने तय किया था कि मार्केट के बाहर मंडी टैक्स फ्री, व्यापार मुक्त ही बढ़ेगा। अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करना है तो एक देश एक कानून रखिए, जैसे एक देश एक टैक्स किया वैसे एक देश एक कानून जरूरी है। मार्केट को भेदभाव, असमानता और कुदरती न्याय के विरुद्ध अगर आप मार्केट फी लोगे तो यहाँ से माल बिक्री बंद हो जाएगा। रिटेल की दुकानों को यहाँ से सप्लाई है, ग्राहकों को सप्लाई है और देश भर की मंडियों से टैक्स लगकर फिर मुंबई में आएगा, फिर मुंबई में टैक्स लगेगा। तो ये मल्टीपल मार्केट फी जो है वो देश भर के ग्राहकों के पर लगेगी, व्यापार बंद हो जाएगा, ई कॉमर्स, मल्टीनेशनल कंपनी, मॉल, इनके व्यापार चलेंगे, इनके ऊपर कोई मार्केट फी का नियमन नहीं, इनके ऊपर कोई कानून नहीं और हमें कानून का पालन करना। तो निश्चित तौर से हमारे उत्तर प्रदेश के भाइयों ने आंदोलन चालू किया है, हर राज्य अपने मन में आता है, कोई 50 पैसा लगाता है, कोई 80 पैसा लगाता है, कोई 1 रुपया लगाता है, अरे कोई 2.5 रुपया लगाता है, कोई 4 रुपया लगाता है। कर्नाटक में कुछ अलग है, पंजाब में कुछ अलग है, राजस्थान में अलग है। अरे भाई, कृषि माल पूरे देश का एक है, एक देश एक व्यापार, एक टैक्स, एक नियमन, एक लाइसेंस, वन विंडो सब होना चाहिए, उसमें भेदभाव और समानता नहीं चलेगी। मोदी सरकार आज विश्व भर में व्यापार की परिस्थिति देख सकते हैं, हम कोरोना के योद्धा है। आज व्यापारियों को जो बिना पगार के कलेक्टर है, सरकार को, आज महाराष्ट्र सरकार को VAT वेट वैल्यू एडेड 33,000 करोड़ आता था, उसके सामने आज महाराष्ट्र शासन को 1,88,000 करोड़ अंदाजा GST आने लगा। अब GST में आपने जो महाराष्ट्र में हल्दी, मिर्ची, धनिया, चावल, आटा, मैदा जो पैकिंग में भी है, ये सब पर आपने GST 5% लिया। GST की इनकम बहुत बड़ी हो गई। अनुदान अगर महाराष्ट्र भर की 299 मंडी गिनेंगे तो आपको 200 करोड़ का अनुदान देना है, उसे हमारी मार्केट चलाने को, हम मेंटेनेंस देने को तैयार है, हम ग्राहक से मार्केट फी लेने को तैयार नहीं है।
आप अगर मार्केट फी लगाओगे तो मार्केट के बाहर व्यापार चला जाएगा, मार्केट के अंदर 50,000 परिवार बेरोजगार बन जाएंगे। प्रश्न ये आता है कि एक देश एक टैक्स और दो कानून कैसे चलेंगे। तो इस प्रकार मार्केट फी जो है, और सबसे विटंबना की बात है कि ये मुंबई की मंडी में किसान आता नहीं है, हमारे यहाँ किसान आता नहीं है, किसान का ऑप्शन नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमारे गले में जबरदस्ती शिफ्टिंग के टाइम एपीएमसी का कानून डाल दिया। हमारे यहाँ माल ये टर्मिनल मार्केट है, इंटरनेशनल टर्मिनल मार्केट है, कृपा करके सरकार सुन लेवे कि ये टर्मिनल मार्केट है, ये कोई किसान की मंडी नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट है। 10,000 कंटेनर आवन जावन है, हम मेंटेनेंस देने को तैयार हैं, हम कोई कलेक्शन करने को तैयार नहीं है। इसके लिए चाहे जो भी सत्याग्रह करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो हम करेंगे। आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब को भी हमने मैसेज दिया है, हमने पत्र लिखा है, यही बात है कि एक देश एक कानून चलाइए, मार्केट को अन्याय मत कीजिए। यहाँ पर माथाड़ी कामगार, हमारे ट्रांसपोर्ट बंधु, गुमास्ता बंधु, व्यापारी परिवारजन, करीबन 50,000 परिवार को यहाँ पर रोजी रोटी मिलती है। आप इस मार्केट को नियमन में रखकर व्यापार बंद कर दोगे। साधारण एक गाड़ी अगर मार्केट के बाहर बेचोगे और मार्केट में बेचोगे तो 30,000 से 50,000 रुपये का फर्क पड़ेगा, तो ये कोई व्यापार इस पर टिकेगा नहीं, और यहाँ से मार्केट को बंद करना पड़ेगा, व्यापार बंद करना पड़ेगा। तो सरकार इस पर तुरंत कार्यवाही करे, और मोदी साहब ने जो सराहनीय कदम उठाया है वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब भी उठाए, अजीत दादा भी उठाए, और तुरंत मार्केट फी हटा देवे। ये इंटरनेशनल मार्केट है, और यहाँ पर जो स्थापना खर्च है वो हम मेंटेनेंस देने को तैयार है। तो कृपा करके ग्राहकों की लूट को बंद कराइए, ये ग्राहकों के ऊपर बोझा है। अगर पंजाब से एक बार APMC 2.5% भरा, फिर यहाँ 1% भरो, फिर आगे जावे और भरो, तो ये सब ग्राहकों से लूटना है, और उसका माध्यम व्यापारी बनता है। कृपा करके ये मल्टीनेट सब मार्केट फी बंद होना चाहिए, नियमन बंद होना चाहिए, इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज, और भ्रष्टाचार हमें हरगिज स्वीकार नहीं है। किसानों के लिए सुविधा है, मगर यहाँ पर किसान का माल है नहीं, ये नवी मुंबई की मंडियों में टर्मिनल मंडी है, जहाँ किसान जाता है तो किसान क्या बाहर बेचेगा, उसको बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, वहाँ पर प्लेटफॉर्म है क्या। सरकार कोई कदम ऐसा लेती है, हमें विश्वास में लेती नहीं है, हमें विश्वास में लीजिए। हम विश्वास में इसके लिए लेना चाहते हैं, हमारे 50-50 सालों का तजुर्बा है। आप किसान को पूछिए, किसान का माल की क्वालिटी, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज में रखना, ये सब जानकारी हमारे पास है, तो आप ये कह नहीं सकते। और सबसे बड़ी ये बात है कि भारत माता के हम संतान, राष्ट्र प्रेम में बिना पगार सरकार के कलेक्टर है, 1,000,000 रुपये की GST कलेक्शन ये हमसे करवा रहे, 7 करोड़ व्यापारी ने लाइसेंस गले में पहन लिया GST का, अपना नफा, अपना नुकसान, अपनी मूड़ी और बाजारी कर्ज बाजारी बैंक, ये सब हमारा, लाइट बिल हमारा, पानी बिल हमारा, कंप्यूटर हमारा, स्टाफ हमारा, और सरकार को जनता से GST कलेक्ट करके भरो, टाइम पे भरो, नहीं भरो तो ब्याज भरो, दंड भरो, जेल की सजा, ये सब क्या है। सरकार खुद व्यवस्था बना ले, GST भी हम भरने को तैयार है, यहाँ बनाना है भर दो, हमको मुक्त करो, व्यापार को मुक्त रखो तो विकास होगा, सबका साथ होगा, सबका विश्वास होगा।